तो हेलो फ्रेंड्स, जो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पर, इस टाइप की रील्स ना मैंने खुद बनाई है। अगर आप भी इस टाइप की रील्स बनाना चाहते हो तो बनाकर अपलोड कर सकते हो। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा जिसकी मदद से आप इस टाइप की रील्स बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो ये मैंने ओरिजिनल वीडियो बनाई है और यहाँ पर अभी तक किसी ने भी नहीं ये बड़ी वीडियो बनाई, जहाँ पर 200-250 प्लस व्यूज आ गए। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मैं आपको प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। और मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज किया था कि भाई इस टाइप की रील्स बनवानी है तो वोट करें, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने वोट भी किया था। तो जल्दी से आप भी बना लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको मैं ये वाली ऑडियो का लिंक दे दूंगा, जो मेरी ये ओरिजिनल ऑडियो है। लिंक पर क्लिक करके मैं इस लिंक को कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने ऑडियो का लिंक दिया होगा, उस ऑडियो पे आप क्लिक कर देना जब आपकी ये वाली वीडियो बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जूस का ऑडियो लिखा है, जूस ऑडियो पे क्लिक करके आप अपनी रील्स अपलोड कर देना। तो यहाँ पे भी आपकी वीडियो शो होने लगेगी। अगर आप अभी वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो सेकंड नंबर पे आपकी शो होगी, अगर उससे कोई लेट अपलोड करता है तो थर्ड नंबर पे शो होगी। इसी तरह से ना लाइन बनती जाएगी। तो आप देखते हैं कौन फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे तो मेरी वीडियोस हैं। तो अब मैं आपको वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड्स के साथ ये वाली वीडियो शेयर जरूर करें, जो जो रील्स बनाना सीखना चाहते हैं। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 10K कम्प्लीट हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। तो आप सब थैंक यू जिन्होंने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो यू कर लें, ये मेरा पेज है। तो जल्दी से आप भी फॉलो कर लेना, आकाश की एडिटिंग पेज का नेम है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैंने बहुत सारी रील्स अपलोड करके रखी हुई है, जो जो रील्स वायरल होती हैं उनका ट्यूटोरियल भी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टोरी भी लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरी भी मैं लगा लेता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो रील्स होती है उनको शो नहीं होती, तो स्टोरी पे क्लिक करके आप मेरी स्टोरी देख सकते हो और रील बनाना सीख सकते हो। तो अब मैं आपको वीडियो बनाना सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपके पास दो एप्लीकेशन होनी चाहिए। पहले नंबर तो VN एप्लीकेशन होगा आपके पास, इससे आपको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड नंबर पर टेलीग्राम ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने एक प्रोजेक्ट का लिंक दिया होगा, बस आपको प्रोजेक्ट वाले लिंक पर आप जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 3.9K सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर। जो भी रील्स वायरल होती हैं उनका रील बनाकर जो ट्यूटोरियल होता है यहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ, और मैं प्रोजेक्ट बनाकर भी शेयर कर देता हूँ। पिछली वीडियो मैंने ये वाली वीडियो शेयर की थी, जैसे मैं नहीं दिखाऊंगा ये वाली रील्स था, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाकर रखा हुआ है। आपको क्या करना है, बस आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होता है और अपनी फ़ोटो ऐड करनी होती है, तो आपकी वीडियो बन जाती है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं टेलीग्राम पर, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रोजेक्ट का लिंक दिया होगा वहाँ पे ही। तो डायरेक्ट आप मैं टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने न्यू रील एडिट किया है, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर दिया है। अगर आपको इस रील का रील बनाना है तो वोट करें। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने 1.3K व्यूज़ आए हैं इस मैसेज पर, तो यहाँ पर वोट भी किए, कमेंट भी बहुत सारे आए हैं, 614 वोट आ गई हैं। तो कहते हैं भाई हाँ भाई कर दो अपलोड ट्यूटोरियल और प्रोजेक्ट भी दे दो। तो आज मैं आपको प्रोजेक्ट भी देने वाला हूँ। तो इसके नीचे ना आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप जैसे इस पूल के नीचे ना आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा भी देता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट होगा। तो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट सेव करके रखा हुआ है, आकाश रंधावा 1M। बस ये वाला प्रोजेक्ट ना मैं आपको अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना वहाँ पर शेयर कर दूँगा। उसके बाद आपको करना होगा, ज्वाइन कर लेना होगा टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद आपको इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, इस प्रोजेक्ट को ना क्लिक कर देना होगा। जब इस प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका जो VN एप्लीकेशन है उस ऐप में ये वाला प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% हो गया, तो नीचे लिखा है ओपन 100% हो गया, नीचे लिखा है ओपन प्रोजेक्ट। बस आपको ओपन प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट था ओपन हो गया, यहाँ पे कार्ड वाली वीडियो लगी हुई है। और लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऐड योर फोटो। आपको कितनी फ़ोटो ऐड करनी होगी, 5 फोटो अलग अलग फ़ोटो ऐड करनी होगी, तभी आपकी ये वाली वीडियो बन सकती है। और आपको मैं इफेक्ट भी बताऊँगा कौन सा इफेक्ट लगाना होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में आपको 4 वीडियोस मिलेंगी, अगर आप उनमें से कोई वीडियो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, वो भी रील्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन उसे जरूर दबा लेना, ऑल पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
तो अब पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इफेक्टर नहीं लगाया, मैं आपको इफेक्टर गाना भी बताऊँगा और फोटो ऐड करना है बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आपको इस वाली फ़ोटो पे आ जाना होगा जो फर्स्ट नंबर जहाँ पे मिलने लिखा है ऐड यूर पिक, इस पर क्लिक करना होगा पिक वाले ऑप्शन पे, और नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे वीडियो से लिखा है तो यहाँ पे सभी आपकी वीडियो शो होंगी, और यहाँ पे फोटोज़ का ऑप्शन है, फोटोज़ वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो शो हो जाएंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी कोई भी फ़ोटो ऐड कर लेनी होगी जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपने फर्स्ट नंबर वाली ये वाली फ़ोटो लगा लेता हूँ, है ना। तो सेकंड नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड योर फोटो, सेकंड नंबर वाली फ़ोटो पे आपको क्लिक करके फिर रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा, और फिर फोटो सॉल्यूशन पे जाकर यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर में आपको सेलेक्ट कर लेने की फ़ोटो तो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो लगा देता हूँ, 10K कम्प्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद थर्ड नंबर वाली फ़ोटो पे आएंगे, इस पर क्लिक करके आपको सेम वैसे करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो फिर आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा, और फिर फोटो सॉल्यूशन पे जाकर आपको कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी जो आप लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से ना अपनी एक ये वाली फ़ोटो लगा लेता हूँ, कहाँ गई, तो मैंने एक ये वाली फ़ोटो लगा ली। इसके बाद फिर आगे जाएंगे यहाँ पे, फिर ऐड फोटो पे क्लिक करके नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और फिर फोटो सॉल्यूशन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर देना होगा, और जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर से आप फोटो सेलेक्ट कर लें। तो मैंने एक ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, और लास्ट में एक फ़ोटो रह गई, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। फ़ोटो पर क्लिक करके नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, तो रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा आपको, और फिर फोटो सॉल्यूशन पर जाकर ऑल पे क्लिक कर देना होगा, ऊपर लिखा है ऑल, तो फिर जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर को सेलेक्ट करके आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो मैंने एक ये वाली फ़ोटो ऐड कर ली। इसके बाद मेरी सभी फ़ोटोस ऐड हो गई हैं, तो अब मैं आपको इफेक्ट लगाना बताने जा रहा हूँ, एफएक्स जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपको जाना होगा, यहाँ पे एफएक्स लिखा है नीचे, फ़ोटो पर क्लिक करके नीचे एफएक्स ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा, और जो वाइट वाली लाइन है इसको इस तरह स्टार्टिंग में लेकर आनी होगी ये वाली, और नीचे बहुत सारे इफेक्ट दिख रहे हैं, आपको ना ये वाला इफेक्ट लगा लेना होगा। इफेक्ट का नेम है जिटर डाउन, इस इफेक्ट को आप डाउन लगा लेना। इसके बाद नहीं, जूम आउट इफेक्ट अच्छा लगेगा, जूम आउट इफेक्ट लगा लें। उसके बाद इसकी लेंथ बढ़ा लेनी होगी इस तरह से, फिर नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा। इसी तरह से आगे जाना होगा आपको सेकेंड नंबर वाली पे, इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा, और नीचे बहुत सारे इफेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको ना जूम आउट का इफेक्ट दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और ये ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है ना ऊपर इफेक्ट के, इसको खींच कर स्टार्टिंग में लेकर आना होगा, इसको लास्ट तक ले जाना होगा। फिर टिक का ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर लेनी होगी। इसी तरह से आगे जाना होगा थर्ड नंबर वाली फ़ोटो पे आपको, फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके फिर आपको जूम आउट वाला जो इफेक्ट मैंने बताया था इस पर क्लिक करके इसकी लेंथ बढ़ा लेनी होगी, और नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर लेनी होगी। फिर आगे जाएंगे, इसको पे क्लिक करके फ़ोटो पे, और इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा, और आपको यहाँ पे जूम आउट का इफेक्ट है, इस पर क्लिक करके नीचे टिक कर लेनी होगी। तो फिर लास्ट वाली फ़ोटो रह गई, लास्ट वाली फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना होगा, फिर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको चले जाना होगा जूम आउट, इस पर क्लिक करके और टिक कर लेनी होगी। तो ये देख सकते हो हमारी वीडियो बन गई। तो अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे सेम वैसे रील्स बन गई जैसा कि मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में। तो इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर लेनी होगी। तो ये वाली वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मैंने यूज़ ऑडियो का लिंक तो वीडियो कमेंट बॉक्स में दे दिया। अगर आपकी वीडियो बन गई है तो ऑडियो पे लिंक पे क्लिक करके आप रील्स अपलोड कर देना, तो सेकंड नंबर पे आपकी रील्स शो होने लगेगी। तो मुझे कमेंट करके यूँ बताना कि मेरी जो वीडियो है उस पर कितने लाइक आए हैं जो अब अभी आप ये देख रहे हो। तो अभी तक आपने ये वाली वीडियो से नहीं देखी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन वीडियो को जरूर वॉच करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।